हेलो दोस्तों, दिस इज आसास इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चाहे ब्यूटी क्रिएटर, ग्रेटिक क्रिएटर या वाइटिक क्रिएटर, हर कोई चाहता है कि उनके भी वीडियोस पर व्यूज आए। कोई कोई ऐसे वीडियोस रहते हैं जिसमें कोई क्वालिटी नहीं रहती, पर मिलियंस में उनके इसमें लाइक्स व्यूज आ जाते हैं। पर आप इतने अच्छे वीडियोस बनाते हैं, आपके इसमें व्यूज नहीं आते। आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके वीडियोस पर भी बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। पर वीडियोस लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं जिससे डेफिनेटली बूस्ट होने वाले आपके व्यूज। कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पे नहीं हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो काफी असम होने वाले भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। लाइक से जो मोटिवेट मिलता है ऐसा वीडियो में आपके बनाते रहते हो। अभी क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको मोबाइल पर लेकर चलता हूँ। इससे कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट, ये आपके सामने स्टार्ट हो गया है। वॉल्यूम कम कर देते हम और यहाँ से चलते हैं डायरेक्टली हम प्ले स्टोर पे, और यहाँ पर जाके हम टाइप करते हैं टिकी। देखिए यहाँ पर आपको एक अपडेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अपडेट जरूर कर लेना 21st of October की। इसमें दिखाई दे रहा है आपको बीक बग्स फिक्स कर दिया गया, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, लाइव गोस्ट रूम, घोस्ट रूम, ओके, फीचर्स इंटरेक्ट विथ योर फेवरेट होस्ट ऑनलाइन, एंड उसके बाद इसमें यहाँ पर ओके टॉक टू ईच अदर ऑन द वॉइस और वीडियो, वॉइस से भी या वीडियो से भी आप इनसे बात कर सकते हैं। घोस्ट रूम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कोई फेवरेट पर्सन है उससे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो ये ज़्यादा नहीं, आपका 5-10 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे और ये आपका अपडेट हो जाएगा। पर इंपॉर्टेंट ये है आपके इसमें व्यूज़ कैसे आएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता कि भाई वो जब वीडियोज़ डाले। तो एक चीज़ तो आपको थोड़े से टिप दे देता हूँ, वीडियोज़ कभी भी आपने डाले तुरंत अपने वीडियोज़ कभी नहीं देखना है, ठीक है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, वीडियोज़ डालते भाई कैसा है वीडियोज़, तुरंत जाकर देख लेते। पर आपको जैसे वीडियोज़ डालेंगे उसके बाद कम से कम 1-2 मिनट आपको अपने इनबॉक्स पर रहना है। इनबॉक्स में क्या रहता है, कुछ अनक्वालिफाइड वीडियोस हो जाते हैं आपके इसमें, तो वो आपको तुरंत ही मैसेज कर देते हैं। मतलब जैसे अपलोड करते हैं उसके 5-10 सेकंड में मैसेज आ जाता है और आपके इसमें सिर्फ एक व्यूज दिखाई देता है जो कि टिकी टीम देखती है। उसके बाद आपके इसमें कोई भी व्यूज नहीं आता, तो आप बोलते हैं यार अनक्वालिफाइड क्यों हो गया। तो इसलिए अनक्वालिफाइड के लिए अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो अलग से मैं एक वीडियोज बना के आपको उसमें समझा दूंगा, ओके। तो आपको क्या करना है, अनक्वालिफाइड ना हो, उसके बाद आपको लग रहा नहीं आप अनक्वालिफाइड नहीं हुआ तो मोबाइल रख देना है, किसी के भी वीडियोस नहीं देखना उस टाइम पे, क्योंकि गलती से आपका वीडियोस कभी कभी फॉर यू पे आता है क्योंकि ट्रेंडिंग पर रहता है और आप अपनी वीडियोस देखेंगे तो ग्रोथ रुक जाएंगी, ओके। उसके बाद फिर ओपन करके आप देख सकते हैं या किसी को कमेंट्स करना है बिल्कुल कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कितने लोगों ने शेयर किया है, सब कुछ पता चलेगा। पर हाई क्वालिटी वीडियोस बनेंगे, देखिए ड्रीम गर्ल भी इनमें आ गए 123। पर अगर आपका 2 अकाउंट है इसमें, एक ग्रेटिक है दूसरा भी ग्रेटिक है, तो एक ही ब्लूटिक हो पाएगा दूसरा नहीं हो पाएगा, तो आपका एक ही अकाउंट रहना जरूरी है। पर यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ, ये देखिए ये अकाउंट है, तो सबसे पहले आप देखिए आपके फॉलोअर्स कितने हैं। आप बोलेंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कोई बोलेंगे 10,000 20,000 30,000। आपके 30% व्यूज आपके इसमें आना जरूरी है। आप बोलेंगे 30% ही क्यों, मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे का रीजन। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आपको कौन सा टिक मिला है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, क्रिएटर हाउस पे जाते हैं, और क्रिएटर हाउस पर जाने के बाद ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, और एक्सीलेंट रहना जरूरी है। अगर इसके इसमें एवरेज या रिस्की आ रहा है आपके इसमें एक्सीलेंट की जगह, तो भाई आपके इसमें प्रॉब्लम है, व्यूज आना बंद हो जाएंगे, पहले ये ठीक कीजिए, ओके। हाँ, पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए व्हाइट टिक को ट्राफिक कितना मिल रहा, ग्रे टिक को ट्राफिक कितना मिल रहा और ब्लू टिक को ट्राफिक कितना मिल रहा। सबसे ज़्यादा जो ट्राफिक मिलता है वो ब्लू टिक क्रिएटर को ही मिलता है, पर बहुत बार ऐसा रहता है कि भाई ब्लू टिक से ज़्यादा ग्रे टिक की क्वालिटी के इसमें दम रहता है, जिसके कारण व्यूज उनके इसमें ज़्यादा आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो व्यूज आपको लेने में मदद करेगा वो है आपके इसमें बूस्ट कार्ड। बूस्ट कार्ड इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने व्यूज को चुटकी बजा के एकदम ऊपर कर सके। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, यहाँ से मैं बैक आता हूँ, तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि 30% आपके इसमें व्यूज होने चाहिए। जिसके मेरे यहाँ पर मान के चलो 30,000 फॉलोअर्स है, 30,000 फॉलोअर्स के 30% के तौर पर 10,000 के आसपास, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको वीडियोस दिखाई दे रहे 33,000 23,000 24,000 10,000, एक वीडियोस 8,000, फिर 12,000, मतलब थोड़ा सा जा रहा है मेरा फॉर यू पे वीडियोस। फिर यहाँ पर 15,000 13,000 22,000 13,000 8,000 12,000। कभी कभी ऐसा रहता कोई वीडियोस व्यूज नहीं आता, किसी में व्यूज बहुत ज्यादा थे, तो निराश मत होना, क्योंकि वीडियोस कभी कभी ट्रेंडिंग पर नहीं चलता, फॉर यू पे नहीं आ पाता या लोगों को पसंद नहीं आता, ये चीजें तो नॉर्मली चलते रहती है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं जा रहा हूं यहां पर क्लिक करता हूं और लाइव सेंटर पर जाता हूं। तो यहां पर आपको सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो है बूस्ट कार्ड। ये देखिए टास्क सेंटर, यहां पर आपको बूस्ट कार्ड दिखाई दे रहा है, 1000 बूस्ट कार्ड मिलेगा, 5 दिन बचे आपके इसमें। तो यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए यहां पे, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रिक्वायरमेंट 30 मिनट आपको लाइव आना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड्स अनलॉक हो जाएगा, आपके इसमें 1000 का व्यूज कार्ड आपके इसमें शो होने लग जाएगा। आप बोलेंगे 1000, बिल्कुल यार 1000 व्यूज बढ़ जाएंगे, तो ये बूस्ट मिलता है आपके वीडियोस को। अब उसके बाद वो फॉर यू पर चल रहा है, जितने ज्यादा लोग उसको 3 सेकंड तो भी कम से कम रुक के देख रहे वो वीडियोस और ज्यादा फॉर यू पर चलेंगे। तो कम से कम वीडियोस में कुछ ऐसा कीजिएगा,
सेकंड तक तो भी लोग आपका वो वीडियोस देख सके। अब आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, बैक आ जाता हूं। अगर मैं यहां से लाइव आऊंगा, देखिए तो यहां पर आपको दिखाई देने लग गया होगा नीचे में, ये देखिए 1000 एक्सप्लोर रिवॉर्ड्स। उससे क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं आधा घंटा आऊंगा, मुझे हजारों का बूस्ट कार्ड मिल जाएगा, मेरे वीडियोस पे बूस्ट आने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहां से एक मिनट शो कर देता हूं, क्योंकि दिख नहीं पाया था शायद, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ 1000 एक्सप्लोर रिवॉर्ड्स। तो इस पर मैं क्या करूंगा, लाइव आऊंगा डायरेक्टली, वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। यस, अब उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है वेरीफाइड, मतलब डुएट। अब बहुत बार लोग क्या कर रहे हैं, एक नए फीचर जो कि बहुत पुराना भी है मान के चलिए, वो लोगों को पता ही नहीं, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सूरज एक्टर है, यहाँ पर मैंने तीन डॉट पे क्लिक किया, वेरीफाइड है, यहाँ से मैंने क्या किया, डुएट। डुएट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसमें डुएट कर सकते हैं। डुएट के फायदे बहुत है, जब भी सामने वाली की क्वालिटी इंप्रूवमेंट है तो वो उसके बेस पर आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा फॉर यू पे जाने लग जाएंगे। तो इसके कारण अगर सामने वाली की क्वालिटी अच्छी, उसके साथ डुएट करें तो आपकी भी डुएट का वीडियोस बहुत ज़्यादा फॉर यू पे जा सकते हैं। इनको ग्रे टिक है, नहीं ये भी लाइव है, ये ब्लू टिक है, इनके इसमें व्यूज भी बहुत अच्छे थे, लाइक्स भी थे, उसके साथ डुएट कर सकते हैं आप, ऑसम कर सकते हैं या फेबुलस जो भी है, पर टैलेंट आपका नजर आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो भी वेरीफाइड है उनके साथ डुएट करना है, शेयर पे जाना है और डुएट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि मैं अगर डुएट अभी करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि डुएट होने में कम से कम 30 सेकंड एक मिनट वो प्रोसेसिंग में ले लेता है। उसका ट्रेंडिंग हैशटैग इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये आती है, सर हैशटैग कितने लगाना चाहिए? अगर आप कोई ऐसा वीडियोस बना रहे जो ट्रेंड पर नहीं है या यूनाइटेड बाइक क्रिएटिविटी के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको कम से कम 5 हैशटैग लगाना ज़रूरी है। आप बोलेंगे 5 हैशटैग, बिल्कुल। हैशटैग कौन से लगाएंगे, यहाँ पर जाना है, टिकी वाली दिवाली, टिकी भाई दूज, हमारा त्यौहार, रोमांटिक लव, इस तरीके से जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, सामने में आपको व्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, वीडियोस बनाना है और उसमें हैशटैग लगाना है। पर अगर कोई ऐसा हैशटैग आया आपके इसमें जो यूनाइटेड बाई क्रिएटिविटी के अंदर है, हमारा त्यौहार, तो उसमें आपको सिर्फ 2 हैशटैग लगाना है, यूनाइटेड बाई क्रिएटिविटी, हमारा त्यौहार और टिकी इंडिया को मेंशन करना। ये 3 चीज़ आप कर लेंगे तो आपके वीडियोज़ और ज़्यादा एक्सप्लोर पेज पाएंगे। ये है एक्सप्लोर पेज, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जितने भी है यहाँ पर मैं अगर चेक करूँगा, यहाँ पर करूँगा, तो ये एक्सप्लोर पेज है। इसमें जितने भी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं वो बहुत ज़्यादा, हर वीडियोस आपका मान के चलिए फॉर यू पे जाता है, ठीक है। ऐसे मैं बैक कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है ओरिजिनल साउंड्स। अब लोगों को समझ में नहीं आता ओरिजिनल साउंड्स कैसे करें, सर बताइए। यहाँ से मैं इस पर जाता हूँ, देखिए ये ओरिजिनल साउंड्स है। अगर मैं ओरिजिनल साउंड्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्योनियर करके आएगा, प्योनियर ओरिजिनल, इन्हीं का है ओरिजिनल साउंड, बशीर, लोग उस पर वीडियोज बना रहे, ये है ओरिजिनल साउंड्स, ठीक है, इनका ओरिजिनल साउंड, लोग इन पर वीडियोज बना रहे, पर व्यूज कितने आ रहे हैं इनके इसमें, मान के चले 24, इनके इसमें 103, पर ओरिजिनल जो है उनके उसमें 42,000, 42,000 लाइक्स की बात कर रहा है, और व्यूज तो बहुत ज़्यादा है। और कभी आपको कोई वीडियोज देख रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो वीडियोज ढूंढना है, तो नीचे करते जाएंगे तो यहाँ पर जस्ट वॉच लिखा हुआ आया, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये वीडियोज जहाँ पर है वो वहाँ पर लेके चलेंगे। 32 लाख लोगों ने ये वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, तो ओरिजिनल साउंड का इस्तेमाल कीजिए। अप्लाई पे भी जाके आप बना सकते हो, अगर आपके पास ओरिजिनल साउंड नहीं है, अप्लाई म्यूजिक पे क्लिक कीजिए, आपका म्यूजिक आ जाएगा, आप वीडियोस बना लीजिए। पर मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप वीडियोस में इतनी ज़्यादा मेहनत करें तो ओरिजिनल साउंड पे क्यों नहीं, तो ओरिजिनल साउंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट जो है टिकी लाइव। ओके, जितने ज़्यादा आप लाइव आएंगे उतने ज़्यादा आपके इसमें व्यूज़ आएंगे। ये देखिए ये लोग लाइव हमेशा बैठ रहे थे, व्यूज़ देखिए 6,000 है ना, और डिज़ाइनर इनको जाकर देखूंगा तो 67,000 फॉलोअर्स है, पर इनके इसमें व्यूज़ देखिए 8,000, 4,000, 5,000, 28,000, 11,000, 13,000, 18,000, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे। क्यों? क्योंकि लाइव आना ज़रूरी है, आप लाइव चेक करते रहते, जैसे नीचे करेंगे देखिए ये बंदा भी लाइव बैठा है, 34,000 इनके इसमें है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ तो देखिए ये लाइव है। लाइव पे बैठे रहना ज़रूरी है, लाइव जितना ज़्यादा रहेंगे टिकी के एल्गोरिथम को पता चलता है इनके वीडियोज़ पे व्यूज़ उतने ज़्यादा बढ़ाए जाए। ये देखिए पूरे वीडियोस आपको दिखाई दे रहे, तो लाइव आइए, यहाँ पर टैप करके मैं यहाँ पर भी लाइव देता, इसलिए आजकल आपको फॉर यू पे भी लाइव का ऑप्शन दिखाई देने लग गया। इस तरीके से आपके इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि इतने ज़्यादा हमारे इसमें व्यूज आ रहे। बिल्कुल, व्यूज आने का मेन कारण मैंने आपको 5 बता दिया, बूस्ट कार्ड, वेरीफाइड अकाउंट, ट्रेंडिंग हैशटैग, ओरिजिनल साउंड्स और लाइव आइए। ग्रे टिक है, व्हाइट टिक है, तभी भी आपके वीडियोज पे व्यूज बहुत आएंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से नीचे किया, हाँ यहाँ पर मेरा भी वीडियोस है, आपको लगता है देख सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए 152 है, 730 है, बहुत ज़्यादा, तो इसे कर देते हो यहाँ से बंद। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर विद फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल एज़ अस इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।